सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइस अभी का जो टाइम हो रहा है शाम के 4:30 हो रहे हैं एंड मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल अंजलि से मिलने के लिए, क्योंकि भाई आज जो है ना आज संडे एंड हमारा एक छोटा सा प्लान बना है कि कहीं पे जाके अच्छी सी जगह देख के वीडियो शूट करना, फोटोज बनाना, रील्स बनाना, तो ये छोटे मोटे चीजें करने वाले हम लोग। फिलहाल मैं हूँ विठलवाड़ी में। वैसे हम लोग ने पहले राइड प्लान की थी एक कोंडेश्वर टेम्पल की, लेकिन वहाँ पे नहीं जा पाए। वहाँ पे ना सुबह सुबह जाने का मजा जो है ना वो अलग होता है, तो सुबह उठ नहीं पाया मैं। कल रात को जॉब से लेट आया था जिस वजह से वो राइड कैंसिल हो गई, तो मैंने सोचा चलो यार शाम को ही निकलते बाहर एंड एक छोटा सा मोटो व्लॉग भी हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि हेलमेट लेके ना निकलूं, मतलब सेटअप लेके ना निकलूं, लेकिन बाद में सोचा यार आज संडे एंड संडे के दिन ना यहाँ पे आगे चेकिंग रहती है तगड़ी वाली, ठीक है, तो मैंने बोला रिस्क नहीं लेते। एंड ये भाई खूबसूरत झूला देख सकते हो, यहाँ पे शायद मेला लगा है। और गाइज मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पल्सर 220 है हमारी, इसको बेच के एक नई बाइक कोई तो परचेस कर लेंगे, क्योंकि ऑडियंस जो है ना नई नई चीजें देखना चाहती है, ठीक है। तो गाइज कमेंट करके बताओ ये बाइक मैं बेचूं या फिर नहीं बेचूं, अगर बेचूं तो इसको बेच के कौन सी बाइक ले लूं, ठीक है। तो कमेंट कर सकते हो आप सारे लोग, आप आपके सजेशन दे सकते हो। पल्सर 220 ना बेचने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, ना ही इच्छा है, बिकॉज भाई ये जो बाइक है ना मतलब लेजेंडरी बाइक है एंड इसको बेच के मतलब क्या ही ले सकते हैं भाई, सुपर बाइक तो ले नहीं सकते, तो यही कुछ 250 या 300 सीसी की बाइक लेनी पड़ेगी, लेकिन ये भी भाई उनसे कम नहीं है। एंड ये अंकल बीच में डोर खोल रहे हैं यार। हाँ तो भाई मैं ये बोल रहा था कि देखते भाई क्या प्लान बनता है एंड इसको बेचते या फिर नहीं बेचते। वैसे गाइज आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है बाइक लेने में मेरी ये पल्सर 220, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग अंजलि के एरिया में पहुंच गए, तो यहाँ से उसको फटाफट कॉल करते हैं एंड बुला लेते बाहर। A few moments later. तो गाइज फाइनली अंजलि आ चुकी है। भाई वीडियो बना रही है, क्या बना रहे हो? चलो भाई ये पकड़ो। तो गाइज फाइनली अंजलि को पिकअप कर लिया है। गाइज अभी का जो टाइम हो रहा है 4:45 हो रहा है। अभी लोकेशन पे जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लेते हैं, बिकॉज बहुत भूख लगी है मेरे को। कुछ खाओगे क्या? क्या मिलता है आपके उल्लासनगर में? चलो गाइज देखते हैं, कुछ तो खाते हैं एंड उसके बाद जाते हैं कोई अच्छी जगह। मैं तो सोच रहा हूँ शिव मंदिर जाते हैं, आज सोमवार है ना, नहीं संडे। जॉब करते करते सब भूल जाता हूँ कौन सा डे कौन सी डेट। वो तो मैं ऐसे टाइम पास करते करते खाने के लिए लेके आया ये। तो गाइज ये है चुरमुरा चूड़ा, ठीक है, अच्छा ब्रांड है बालाजी का एंड सबको खाना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है। अच्छा हमको सिखा दिया है। कहीं पे आप खाने के लिए जाते हो और आपका ऑर्डर लेट हो जाता है तो ये बहुत काम आता है, तो ये हमेशा रखो आप जब भी रेस्टोरेंट या कोई होटल में जाते हो। तो वो वहाँ पे चर्च है ना। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं अशोक अनिल के ठीक सामने, यहाँ पे है एक फैमिली रेस्टोरेंट, देखते कुछ खा लेते एंड फिर जाते। A few moments later. तो गाइज फाइनली हमारा खाना था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं। अंजलि पेट भरा? तो गाइज फाइनली हमारी पेट पूजा हो चुकी है एंड अभी निकले हैं हम लोग उल्लासनगर का एक चक्कर मारने के लिए। गाइज फाइनली मैं निकल चुका हूँ उल्लासनगर से एंड अभी का जो टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं शाम के एंड अंधेरा भी हो गया है थोड़ा बहुत, तो रील्स एंड फोटोज थे वो शूट करके हो चुके हैं हमारे। तो गाइज अगर आपको फोटोज एंड रील्स देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, मुझे भी और अंजलि को भी, दोनों के इंस्टाग्राम के लिंक्स जो है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, वहाँ पे देख सकते हो आप हमारे सारे रील्स एंड फोटोज। और अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो भाई जाके वो भी कर दो। सो गाइज बस आज के वीडियो में जो है इतना ही रखते हैं।